करनी है और इस बार विंटर में आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि लिप बाम जो है वो अपने होंठों पर रेगुलर सब। इसके अलावा हैंड्स केयर के लिए आप लोगों ने क्या करना है, अपने हैंड्स जो है वो वॉश कर लेने हैं। आप लोगों को बता दूं जो गर्म पानी से नहाते हैं सर्दियों में, ठीक है, हट हो गया। इसकी वजह यह है कि आप लोग पानी कम पीते हो, एक तो ठंडी हवाएं चल रही होती हैं जिसकी वजह से ऑलरेडी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही होती है। मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए विंटर केयर टिप्स लाई हूँ, चंद ऐसे टिप्स जिससे आप स्किन ड्राइनेस, बॉडी ड्राइनेस और हेयर ड्राइनेस से बच सकते हो। क्योंकि सर्दियों में अगर बालों में ड्राइनेस हो जाए तो खुश्की हो जाती है, स्किन पर ड्राइनेस हो जाए तो रिंकल्स आ जाते हैं और स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। हैंड्स पर ड्राइनेस आ जाए तो हैंड्स बहुत ही भद्दे से दिखते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आप कैसे बच सकते हो, चंद मामूली सी टिप्स हैं, आपको बस ये फॉलो करनी है और इस बार विंटर में आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो सबसे पहले टिप्स है बालों के लिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं जो गर्म पानी से नहाते हैं सर्दियों में, ठीक है, उनके लिए मैं यही उनको कहना चाहूँगी कि कोशिश करें बहुत ज़्यादा गर्म पानी से ना नहाएं। पानी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी जब हमारे हेयर के रूट्स में जाता है ना, एक तो बाल कमज़ोर हो जाते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, दूसरा खुश्की जो है वो उसी की वजह से बनती है। तो कोशिश करें ज़्यादा ठंडे पानी से भी नहीं नहाना है, ज़्यादा गर्म पानी से भी नहीं नहाना है, यानी कि पानी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए नहाने के लिए। टिप नंबर टू ड्राई स्किन वालों के लिए, जिनके फेस पर ड्राइनेस आ जाती है और इन दिनों में स्टार्ट भी हो चुकी है, आप लोगों ने ये नहीं करना है कि रात का टैंकी में जो पानी भरा हुआ है उसी से उठकर फेस वॉश कर लो। आप लोगों ने ये भी नहीं करना है कि गर्म पानी लिया और उससे फेस वॉश करो, नहीं, आप लोगों ने ताज़ा पानी लेना है या पानी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रखना है। इससे ये होगा, उससे अगर आप लोग फेस वॉश करते हो और उसके बाद कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर अपने फेस पर यूज़ कर लेते हो तो आपकी स्किन सॉफ्ट रहेगी, स्किन खींची खींची नहीं होगी। ठंडे पानी से धोने से भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ज़्यादा गर्म से जो है फेस वॉश करने से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो नॉर्मल पानी से आप लोगों ने फेस वॉश करना है और अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करना है, ठीक है। नंबर थ्री हमारे लिप्स के लिए, तो ये क्यों ड्राई होते हैं, ये सर्दियों में हर किसी को प्रॉब्लम होता है और इन दिनों में तो मुझे भी स्टार्ट हो गया। इसकी वजह यह है कि आप लोग पानी कम पीते हो, एक तो ठंडी हवाएं चल रही होती हैं जिसकी वजह से ऑलरेडी हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही होती है, और हम लोग सर्दियों में पानी भी पीना कम कर देते हैं। तो आप लोगों ने पानी पीना कम नहीं करना है, पानी का ध्यान आप लोगों ने कंप्लीट रखना है। इससे आपके बाल भी अच्छे रहेंगे, आपका फेस भी अच्छा रहेगा और आपके जो है लिप्स भी अच्छे रहेंगे, ठीक है। और ये जो ड्राइनेस के लिप्स पे प्रॉब्लम है ये भी नहीं होगी। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि लिप बाम जो है वो अपने होंठों पर रेगुलर सर्दियों में यूज करना है, यानी कि अगर आप लोग वैसलीन लगा रहे हो तो वो आप लोग डेली की रूटीन बना ले कि आप लोगों ने लिप्स पर लगाना है, लिप्स को ऐसे ही सर्दियों में नहीं छोड़ना है। टिप नंबर फोर हैंड्स के लिए, हमारे हैंड्स जो हैं वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, खास तौर पर हाउसवाइफ, क्योंकि उन्होंने बर्तन भी धोने होते हैं, जो कि ग्लव्स यूज़ कर लेती हैं उनके हैंड्स जो हैं वो सेव हो जाते हैं, जो नहीं यूज़ करती हैं ये उनके लिए बहुत स्पेशल टिप्स हैं और जो यूज़ कर रही हैं उनके लिए भी है। हाउसवाइफ के लिए स्पेशल टिप मैं ये देना चाहूँगी, जो कि सर्दियों में गर्म पानी से बर्तन धोती हैं, अगर आप लोग गर्म पानी से बर्तन धो रहे हो तो कोशिश करो आप लोग ग्लव्स यूज़ करो। अगर आप लोग ग्लव्स यूज़ नहीं कर सकते हैं ना, तो गर्म पानी को अवॉइड करो और नॉर्मल पानी से बर्तन धोए, वरना अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो आपके हैंड्स का बेड़ा गर्क हो जाना, ठीक है। इसके अलावा हैंड्स केयर के लिए आप लोगों ने क्या करना है, अपने हैंड्स जो है वो वॉश कर लेने हैं, टॉवल के साथ आप लोगों ने अपने हैंड्स ड्राई करने हैं और कोशिश करनी है कि आपके हैंड्स में जो है नमी रहे, ठीक है, यानी कि पूरी तरह से आपने उनको ड्राई नहीं करना है। इसके बाद आप लोग वैसलीन ले लो, कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर ले लो, उसको आपने अपने हैंड्स पर अप्लाई कर लेना है, ठीक है। इससे ये होगा कि आपके हैंड्स बहुत ज़्यादा देर तक सॉफ्ट रहेंगे। अगर आप लोग हैंड्स को पूरी तरह ड्राई करने के बाद कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हो ना, तो उससे ये होता है कि एक तो वो स्किन के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होता है और स्किन को सॉफ्ट भी नहीं रखता है और स्किन अकड़ी अकड़ी सी रहती है। ट्राई करके देख लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा। टिप नंबर फाइव फुल बॉडी ड्राइनेस, तो इसके लिए मैं पहले वाली बात फिर से रिपीट करती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना, यानी कि आप लोगों ने सुकून ही नहीं लेने लग जाना, क्योंकि मेरी भी आदत है जब गर्म पानी मुझे मिल जाता है ना तो मैं उसको छोड़ नहीं हूँ, ये नहीं देख रही होती कि मेरे बालों में नुकसान हो रहा है या फिर बॉडी पर भी नुकसान हो रहा है। इससे ये होता है हमारी स्किन बहुत ज़्यादा खिंची खिंची सी होने लग जाती है। एक टाइम में तो हम लोग सुकून ले लेते हैं, लेकिन दूसरे टाइम जब हमारी बॉडी ड्राई होती है ना, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी के
साथ हो गया है, इतनी खुश्की आ जाती है हमारी बॉडी पर, तो उससे बचने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, एक तो नॉर्मल पानी से आप लोगों ने नहाना है, यानी कि ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं लेना, नॉर्मल सा गर्म हो, हल्का नीम गर्म जिसको बोलते हैं, उससे आप लोगों ने नहाना है। और नहाने के बाद जब आप लोगों ने टॉवल यूज़ करना ना, तो हल्की सी नमी अपनी बॉडी पर रहने देनी है। उसके बाद बॉडी लोशंस मिलते हैं बहुत अच्छे वाले, ठीक है, मार्केट में, आप लोगों ने वो ले लेने हैं, अपनी बॉडी पर अप्लाई कर लेने हैं। इससे आपकी फुल बॉडी जो है वो मॉइस्चराइज रहेगी और ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यही है विंटर केयर, अगर आप लोग ये सारे टिप्स फॉलो कर लेते हो तो इस बार आपको कोई भी किसी किस्म की भी ड्राइनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो फेस पर, लिप्स पर, ना हेयर पर, ना ही बॉडी पर। तो यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, होप की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाजमी से लाइक कर दीजिएगा, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा। याद मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।